सब्सक्राइब कीजिए डीडी न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। सिंह सुवन सतपुर वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंह अपने जीवन काल में एक ही बार संतान को जन्म देता है। सज्जन लोग बात को एक ही बार कहते हैं, केला एक ही बार फलता है। स्त्री को एक ही बार तेल एवं उबटन लगाया जाता है, अर्थात उसका विवाह एक ही बार होता है। इसी प्रकार हमीर का हट है, वह जो ठानते हैं उस पर दोबारा विचार नहीं करते। ये दोहा इतिहास और विश्व के उस हठी राजा पर है जिसने अपने हट की वजह से अपना राज्य, परिवार तथा जीवन सब कुर्बान कर दिया। ये वो शासक था जिसने अपने अलाउद्दीन खिलजी को अपने हट और वीरता से घुटनों पर खड़ा कर दिया और इनके नाम के आगे आज भी हटी जोड़ा जाता है और उसका नाम था हमीर देव चौहान। आइए जानते हैं इस चौहान शासक के बारे में और उसके हट तथा ऐतिहासिक युद्धों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, राव हमीर देव चौहान रणथंभौर या रणतभवर के शासक थे। ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इनके पिता का नाम जैत्रसिंह था। ये इतिहास में हठी हमीर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जब हमीर रणथंभौर के शासक बने तब रणथंभौर के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। हमीर देव रणथंभौर के चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक था। इन्होंने अपने बाहुबल से विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। राव हमीर का जन्म 7 जुलाई 1272 को चौहान वंशी राव जैत्रसिंह के तीसरे पुत्र के रूप में अरावली पर्वतमालाओं के मध्य बने रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। बालक हमीर इतना वीर था कि तलवार के एक ही वार से मदमस्त हाथी का सिर काट देता था। उसके मुक्के के एक प्रहार से बिलबिलाकर ऊंट धरती पर लेट जाता था। इस वीरता से प्रभावित होकर राजा जैत्रसिंह ने अपने जीवन काल में ही 16 दिसंबर 1282 को उसका राज्याभिषेक कर दिया। राव हमीर ने अपने शौर्य एवं पराक्रम से चौहान वंश की रणथंभौर तक सिमटी सीमाओं को कोटा, बूंदी, मालवा तथा डुंडार तक विस्तृत किया। हमीर ने अपने जीवन में 17 लड़े जिसमें से 16 में उन्हें सफलता मिली। 17वां युद्ध उनके विजय अभियान का वह हिस्सा था जिसमें उनके सपनों ने ही धोखा दिया, परंतु अपने हट और राजपूती आन बान के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। दोस्तों, हमीर हट की असली कहानी 1296 में शुरू हुई जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान शुरू किया और सोमनाथ मंदिर की लूट के लिए 1296 में अपनी सेना को गुजरात भेजा। जब सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालौर के रास्ते वापस दिल्ली जा रही थी तो उस समय जालौर के चौहान शासक कानरदेव ने अलाउद्दीन की सेना पर हमला कर दिया और सारा लूट का माल वापस छीन लिया। जैसे तैसे करके अलाउद्दीन की बची सेना थोड़ी बहुत धन लेकर वहां से भाग छूटी, जिसके बाद सेना में धन बंटवारे को लेकर हुए विवाद में उस समय अलाउद्दीन की सेना में मौजूद मंगोल सेना नायक मीर मोहम्मद शाह सारा धन लेकर रणथंभौर के राजा हमीर की शरण में चला गया। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार मीर मोहम्मद शाह का अलाउद्दीन की मराठा बेगम चिमना के साथ अवैध संबंध था, जिसका पता अलाउद्दीन को चल गया था और अपनी जान बचाने के लिए हमीर देव की शरण में चला गया। और हमीर देव का उसूल था, वह शरण में आए किसी को भी जाने नहीं देता। इस खबर को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव को सूचना भेजी कि वह अपने शरण में आए मीर मोहम्मद शाह को वापस उसके पास भेज दे, वरना युद्ध के लिए तैयार रहे। लेकिन हमीर देव ने यह प्रस्ताव वापस यह कहकर भेज दिया कि वह अपनी शरण में आए शरणागत और उसको दिए वचन को वापस नहीं ले सकता।
इसके लिए हमीर अपनी जान तक न्योछावर कर सकता है। इससे नाराज होकर 1999 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति नुसरत खान, उलगू खान तथा अलब खान के नेतृत्व में रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया। और जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, उस समय हमीर देव रणथंबोर में कोटिजन्य यज्ञ कर रहा था। इसलिए उन्होंने अपने सेनापति धर्म सिंह तथा भीम सिंह को युद्ध के लिए भेजा। और युद्ध के पहले ही पड़ाव में अलाउद्दीन की सेनापति नुसरत खां मारा गया, तो वहीं उलगू खां मैदान छोड़कर भाग गया। लेकिन अलब खान ने धोखे से भीम सिंह की हत्या कर दी। इस घटना से नाराज होकर हमीर देव ने धर्म सिंह को उसके पद से विमुक्त कर दिया और उसके स्थान पर उसके छोटे भाई भोजदेव को नियुक्त कर दिया। लेकिन जल्द ही धर्म सिंह ने अपने आप को निर्दोष साबित कर अपने पद को वापस पा लिया, जिससे नाराज होकर भोजदेव अलाउद्दीन की शरण में चला गया और उसने रणथंबोर के सारे भेद अलाउद्दीन को बता दिए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में अपनी सेना लेकर खुद रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन लंबे पड़ाव और घेराव के बाद सफलता न मिलते देख अलाउद्दीन ने संधि करने का विचार बना लिया, क्योंकि वह जानता था कि हमीर देव अपने हट की वजह से उसके सामने झुकने वाला नहीं है। लेकिन उसके इस प्रस्ताव के पीछे उसकी बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी, जिसे हमीर देव अनजान था। हमीर देव ने संधि के लिए अपने मंत्री रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन के खेमे में भेजा। यह घटना 11 जुलाई 1301 की है, जब रणमल और रतिपाल राज के लोभ के कारण अलाउद्दीन के साथ मिल गए। और बाद में रणमल और रतिपाल ने किले के गेट तुर्कों के लिए खोल दिए। मौके का फायदा देख अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर आक्रमण कर दिया और इस आकस्मिक घटना से अनजान हमीर देव ने राजपूती विशेषता के अनुसार कैसरिया करने का निर्णय लिया, तो वहीं महिलाओं ने जौहर किया। हमीर देव शत्रु की विशाल सेना और अपनों के धोखे के कारण लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन अपने जीते जी रणथंबोर पर कोई आंच तक नहीं आने दी। और इस प्रकार 1301 में हमीर देव के साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन उसकी शरणागत वत्सलता और हट के कारण वे इतिहास में आज भी जाना जाता है और उसके हट को आज भी याद किया जाता है। वह विश्व का एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपने हट के कारण अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक तथा शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट में अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जय हिंद।